नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। आगरा में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव होना है, प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। आज जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया उनकी स्क्रूटनी हुई है। जी हां, जो आगरा सुरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं आगरा समाज पार्टी से, डॉक्टर चंद्रपाल जी हमारे साथ हैं। क्या पूरी प्रक्रिया नामांकन की होती है और किस तरह से नामांकन संपन्न होगा और फिर मतदान कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की जानकारी करने के लिए हमारे साथ चंद्रपाल। चंद्रपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज नामांकन का स्क्रूटनी हुआ है, क्या पूरा प्रक्रिया होती है और किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसा एक्चुअली नामांकन पहले तो जो देते हैं नामांकन भरने के जो कागज है उनको भर के बहुत कठिन है। हर चीज़ उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से जो समाज परेशान है, देश परेशान है और सारा शासन भी परेशान है। राजनीति भ्रष्टाचार, राजनीति का जो इनका जो पर्चा है लेकर नामांकन करने का, वो जोर देता है कि राजनीतिक अपराधिकरण के सारे डिटेल दिए जाएँ और भ्रष्टाचार के संबंध में रोकने के लिए उनके जितने भी प्रॉपर्टी संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनका बड़ा डिटेल विवरण दिया जाए और फिर हर चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में सर्टिफिकेट से दिए जाएँ और जितने भी और कार्य उन्होंने किए हैं उसके बारे में सर्टिफिकेट में विवरण दिया। दस्तावेजों की बात करें तो दस्तावेज जो जमा किए जाते हैं इस तरह से उनका क्या रहता है? दस्तावेज जमा करते हैं उसका फिर परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो सहायक ऑफिसर जो है वो उनका परीक्षण करते हैं दस्तावेजों का और उसमें कोई कमी होती है तो उसे दूर भी कराते हैं। ये भी उनका ऐलान मानना है इलेक्शन कमीशन का। कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा किसी का पर्चा बिना बात दिखा दे तो ये दिखाना अच्छी बात है और साथ ही बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी रहता है कि कोई बाहर का आदमी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। उस समय का होता है मुझे अच्छा लगा मगर कभी कभी बहुत चकरन आ जाती है कि खड़े हैं घंटों और बात उसको दूर करने के लिए हमने कहा कोई पानी वानी तो मिला था कर लिया तब वो करने लगे पानी का सर कोई मेरे अकेले बात सारे लोग है तो उसमें जो कमी पाई जाती है या तो उन्हें दूर करने के लिए बड़ा कहा जाता है या पर्चा निरस्त करने वाला होता तो निरस्त कर दिया जाता है ऐसे तो उसकी आवाज़ रखती है। तो क्या आपने जिस तरह से पर्चा बनाया कोई कमी आपके पर्चे में आई? एक और सवाल है, जिस तरह से एक बात आ रही है सामने के एसपी सिंह बघेल जो भाजपा के सांसद मौजूदा सांसद हैं सुरक्षित लोकसभा सीट से, वो 3 बार अपनी जातियाँ बदल चुके हैं, तो क्या उनके कागज में कोई कमी चुनाव आयोग ने या प्रशासनिक अधिकारी ने देखी? नहीं, उसके संबंध में हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है डिटेल कंप्लेंट होती है एसोसिएशन के पैसा और यहाँ पर जो रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। एक और किसी ने अनिल सोनी है उन्होंने भी एक बहुत अच्छा शिकायत किया है। आप वो क्या करेंगे उस पर परीक्षण करेंगे, हमसे तो यही कहा गया कि परीक्षण किया जाएगा और एक एक ब्लैक एंड व्हाइट में आपको उसका उत्तर मिलेगा। कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा चुनाव है उनका, पहले भी यही कागज लगाए थे, पहले भी उनका कागज मान्य किया गया था, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग आप सही कह रहे हैं? पहले भी बार डिस्ट्रिक्ट स्पेशली हमने उसको अच्छी तरह से लिखाता पढ़ा था और पेपर में प्रेजेंट कर दिया था और जात का जो सर्टिफिकेट का उसको मांग के साथ जात सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहाँ से जारी हुआ है। हम इसमें ये नहीं दे सकते कि गलत हुआ है नहीं हुआ, ये बात मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री को पूरे 5 साल में लिखता रहा हूँ कि ये बहुत ही अन्याय हो रहा समाज के प्रति। इसमें 2 समाज हैं, एक तो आप गणरिया समाज है जैसे पाल समाज या बघेल समाज का हो, तो वो समाज अपने को नीच समझने लगा कि हमको जो नीच बनाया जा रहा है उसको एसपी सिंह बघेल द्वारा, और वो घृणा करने लगा है एसपी सिंह बघेल को। हम हर आदमी अपनी जात का गौरव कराने के लिए ऊंचा बनना चाहता है और यहाँ पर हमें नीचा बनाया जा रहा है, तो इसलिए उसको करने के लिए वो अच्छा है। दूसरा जो है दूसरी जात के लोगों का हक लिया जा रहा है, जैसे हम सभी जात को आरक्षित सीटें हैं स्पेशली पॉपुलेशन के आधार पर उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब के कड़े मेहनत की वजह से गुजरा था। अब उसको ख़त्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जो जनरल जात का आदमी उसको 3 बार सर्टिफिकेट लिए हैं उसके पर्ची जो हमने सबमिट किए हैं उसमें, एक तो पहला कि जो पहले यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ता था उसका सर्टिफिकेट है, फिर एक बार आगरा कॉलेज वगैरह में भी उनके साथ माननीय प्रधान मुख्यमंत्री क्या जातियाँ नहीं होंगी जातियाँ हाँ इनका 2 जातियों में एक कन्फ्यूजन ये हुआ है कि धांगड़ जात है जो कि नज्जापुर वगैरह में है, धांगड़ जात शुरुआत में सम्मिलित है,
बहत्तर जातियों में धागड़ है और उसका अंग्रेजी में जो लिखा जाता है वो धनगर लिखा जाता है। तो इस पर इसके किसी ने सहारा लेकर के ये कहा कि हम धनगर हैं तो धागड़ एक ही है, जब तो एक नहीं है। धागड़ तो एक बाकायदा सिलेबास है और धनगर जो है वो सिलेबास नहीं है। इन्होंने सहारा लेकर के उसको पिछले बात तहसील कर दिया था और पर्चे पास कर दिया और तहसील कह दिया कि तहसीलदार ने जारी करा है और तहसीलदार को बढ़ा के वेरीफाई करा दिया ऐसा भी ऐसा ऐसा। अब की बात में कुछ ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो सब जल्दी जल्दी हो गया, जैसे हम ही हैं, हमने पर्चा दाखिल किया उसके बाद थोड़ी देर में कह दिया कि चल पाजी का हो गया साफ हो गया। तो अब तो निश्चित हो गए। अब वो उस समय तक पहला नंबर उसका था एस पी सिंह बघेल का स्क्रूटनी में, मगर वो आया नहीं स्क्रूटनी तक, वो बिल्कुल उपस्थित नहीं हुआ जिससे कोई बात आपत्ति उठा सके। जब स्क्रूटनी खत्म होने वाली थी तब हमने अपना पर्चा पूर्ण किया और रिक्वेस्ट करके कंप्लेंट दाखिल किए और उन्होंने कहा हम इस कंप्लेंट पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन करें मुझे उसके बाद मैं चला आया तो उनके माने क्या हुआ क्या हुआ, मगर अभी भी वो परीक्षण करेंगे कैसे करेंगे और कैसे उसके पर्चे को भाग दिया जाएगा। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करता है कि एक जात बदल करके दूसरी जात मान दिया जाए, जबकि देश में जात नहीं बदली जा सकती, धर्म बदला जा सकता है। और उसने तो 3 सर्टिफिकेट डिफरेंट जात के लिए हैं और यही आर्गुमेंट है कि कैसे किया जा सकता। मुझे बताया गया कि हाईकोर्ट वगैरह में उन्होंने पहले रेट किया था लोगों ने, वो रेट नहीं होने दी, उन्हें सफर नहीं होने दी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कृपा से मंत्री बना दिए गए, वो भी कानून मंत्री बना दिए गए। तो जो कोर्ट वोट में होगा डिसीजन वो भी आप जानते हैं साइकोलॉजिकल डाउन हो जाएगा, कोर्ट मिल जाए उसको कुछ नहीं लेगा। आज भी स्थिति यही है, मुझे विश्वास है कि आज आपकी बात जो हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पिछले टाइम भी आए थे हमारे आगरा इलेक्शन से पहले, वो सिर्फ बूटसअप करने के लिए कि ये बूटअप हो जाए और अपना काम करें, और इसलिए बूटसअप करने के लिए उसका पर्चा मुझे नहीं लगता माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रभाव इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है वो कोई भी इसे खारिज कर पाए। लगातार एस पी सिंह बघेल जी की जो जाति है उसे लेकर विरोध चल रहा है, एस सी सर्टिफिकेट उन्होंने बना लिया है धनगर कहकर, क्योंकि वो धनगढ़ कहकर और धनगर ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, और वो साफ कभी कभी मंचों से कहते हैं कि मैं गढ़रिया हूँ, इसके बावजूद भी उनके पास एस सी सर्टिफिकेट है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो पर्चा है उनका वो खारिज होना चाहिए, लेकिन लगातार जब लास्ट टाइम जब वो सांसद का चुनाव लड़े तब भी प्रधानमंत्री आगरा आए थे, और जिस तरह चंद्रपाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी के प्रभाव में उनका पर्चा खारिज नहीं होता, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पार्सल डी कर रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं नज़र आता इस जगह। लेकिन अगर हम बात करें अगर चुनाव की, सांसद के चुनाव की, तो ये कहा जा रहा है कि जो एस पी सिंह बघेल है पिछले 5 सालों में उन्होंने विकास नहीं किया, तो क्या लगता है जिस तरह से एस पी सिंह बघेल 5 साल है विकास नहीं दिखाई दे रहा आगरा में, तो जनता उन्हें लाइक करेगी? देखिए ऐसा है, जनता तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही, मगर क्योंकि वो ऊपर से उनका दबाव होने के कारण पर्चा कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो निश्चित होकर कोई काम करने के लिए इच्छुक भी नहीं होते। उन्हें करना क्या है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन ही गया हूँ और बिना किसी काम के बन गया हूँ, ऊपर से उनको सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद करते हैं, तो वो उनका दिमाग नहीं चलिए, तो क्यों विकास करने लगे, क्यों कार्य में रुचि नहीं। जनता कैसे देखेगी? जनता अब की बार मैं समझता हूँ जात के नाम पर जो है लोग वो भी नहीं देंगे, क्योंकि इनके जात के नाम आप देखें ना, खुद लिखते हैं एस पी सिंह बघेल, पहले छत्री बने फिर बैकवर्ड बने फिर और बघेल से बघेल लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो एस सी बात ही उसके धनगर है। तो ये जो विरोधाभास है और कोर्ट्स में ये पड़ा हुआ है अभी तक मामला नहीं, तो ये बहाना सहारा ये लेते हैं कि जात कैंसिल नहीं होने चाहिए, जबकि स्टे है हाई कोर्ट का सब कुछ है, कि कोई और स्टेटमेंट दिया था उन्होंने भारत सरकार के मंत्री के समाज कल्याण ने, उसने कहा कि धनगर कोई जात और अन्य जात कोई भी सिर्फ बात में सम्मिलित नहीं है ना हो सकते हैं। जनता का क्या रुझान है जैसे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? जनता अभी तो ये कह रही है, डरते हैं, जनता भी तो डरती है प्रधानमंत्री से, उनके चेले चपाटों से डरती है, उनके साथियों से डरती है, उनके पार्टी के लोगों से डरती है, जनता कौन जनता हम जैसे आदमी का सामना कर सकता है क्या? नहीं तो क्या चुनाव जीत जाएंगे एस पी सिंह बघेल? कोई एस पी सिंह बघेल बिल्कुल जीत जाएंगे, अगर वो रहेगा तो उनका सपोर्ट कहेंगे जाति वाले कहेंगे बैठेगा जाकर सबके, तो भैया मुझे मैं तो बघेल हूँ तुम्हारा, मैं धनगर हूँ, मैंने तुम्हारे लोगों का बड़ा फायदा किया, तमाम लोग तो फर्जी सर्टिफिकेट ले लेके कोई प्रधान बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ हो गया, तो जात के लोग तो कुछ लोग तो बटे ही हो गए, जो अपने स्वाभिमान चाहते हैं स्वाभिमानी बघेल हैं वो नहीं
50% और वो एक लाभ उठा लेंगे। और आपके बाहर दूसरी जातियाँ जो जैसे आपके छत्री है, छत्री के ऊपर भी जो मार धार करने लगते हैं, दूसरा जो है उनको प्रोटेक्शन देते हैं, अपने जो अगेंस्ट लोग जो है वो इस बात पे होते हैं कि हमारा एमपी बड़ा बहादुर है, तो ये इस वजह से ये अपना चलते रहते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस तरह का भावना हमेशा के लिए रहेगी। और ठाकुर ब्राह्मण छत्री वैसे जितने भी परेशान हैं वो उनको अब दुलार वोट नहीं देंगे और इनको दरासा ही करते हैं। भाजपा लगातार कह रही है चुनाव प्रचार कर देगा इस बार 400 पार होगी या नहीं होगी ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन इस बार उन्हें भी लग रहा है जब से इंडिया गठबंधन बना है कि उनके कहीं ना कहीं मीनारें हिल सकती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है। तो यही कारण है कि पिछले बार या जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भाजपा के, और सीएम योगी ने जनसभा की, लोगों को जागरूक किया, वोटों के प्रति उन लोगों को समझाया कि भाजपा की सरकार बनाए, फिर एक बार 22 तारीख को सीएम योगी आगरा में जनसभा करने जा रहे हैं, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार आगरा में जनसभा करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनसभाओं, प्रस्तावित जनसभाओं से लगता है कि भाजपा में ही कहीं ना कहीं ये डर है कि जनता उनसे रुष्ट है, उनके जो जनविरोधी जो नीतियाँ हैं उनसे कहीं ना कहीं गवाह है। लेकिन चंद्रपाल जी की अगर बात करें तो चंद्रपाल जी चुनाव मैदान में हैं। चंद्रपाल जी ये चाहते हैं कि एक आदर्श समाज बने, एक ऐसा सांसद मिले आगरा की जनता को जो आगरा का ही विकास करे और आगरा की जनता का ही विकास करे। तो चंद्रपाल जी अगर आप सांसद बनते हैं, जनता आपको चुनाव में जिताती है, तो क्या लगता है कि आप समुचित विकास कर पाएंगे? देखिए जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने जब आया था रिटायरमेंट सेक्रेटरी एम एस एम ई के माध्यम से जब आया था 2009 में और 2009 में भी इलेक्शन लड़ा था, तो उस समय से लेके आज तक ये महसूस होता है कि कोई भी धरती भर विकास आगरा में नहीं हुआ है। यहाँ पर जहाँ भी जो जिस तरफ के लोग देखो वो दुखी दिखाई देता है, और गंदगी जो तो अखबार है कोई आगरा लगता है कि ये शहर है, न कोई सिस्टम बना है, न कुछ बना है, बस अभी चलते चलते नवीन जैन ने पेंटिंग का डाल, जो रुपये का कोई हिसाब नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कुछ नहीं, कितना रुपया लगा कितना नहीं लगा उसका कोई हिसाब नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं। मैंने तो बहुत सी योजनाएँ बना के दी थी आगरा वालों को, उनमें से एक भी योजना नहीं, जैसे लेदर डेवलपमेंट के लिए लेदर कॉर्पोरेशन की उनकी बेचने के लिए व्यवस्था की गई थी, और एमएसएमई की तमाम योजना चलवाई गई, कहाँ कोई काम नहीं करी। तो इसलिए गरीब तो लोग इससे दुखी है, छोटे छोटे व्यापारी भी दुखी है, क्योंकि ये तो कभी आते नहीं, क्योंकि इनको तो एक तरह का ये है कि हमें तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हमें क्या जरूरत है काम करने की, बिना काम किए हुए लोगों को टिकट मिल जाती है, अपराधी गड़बड़ के हैं बहुत ज़्यादा टिकट पहले मिल जाती है, बाकी सज्जन अच्छे ईमानदार लोग रह जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुंडा गर्दी करो, गुंडा अपराधीकरण करो, कुछ भी करते रहो हम जो है टिकट पा जाएंगे। जैसे उदाहरण में भाजपा ने तैरने की बात कर ली है, ये पहलवान थे पहलवानों के बीच में नहीं हुआ और लड़कियों के बीच में नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी भी चल रहा सब कुछ हो गया और टिकट देने की बात चल रही है। चंद्रपाल जी लगातार मोदी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचारी उन्हें जेल भेज देंगे, उनके ऊपर बुलडोर चला देंगे। योगी जी का भी बुलडोजर कभी फेमस हुआ, अब फिर 22 तारीख को योगी जी अपने बुलडोजर की ताकत आगरा में दिखाएंगे, जनसभा करेंगे, मोदी जी 25 अप्रैल को आएंगे। उन्होंने बहुत वादे किए थे जब 2019 में वो आगरा आए, उन्होंने वादा किया था कि मैं विकास की गंगा बहा देंगे, यहाँ स्टीमर चला देंगे, यमुना में जहाज चलेंगे। तो क्या लग रहा है जो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि इस बार ये नारा दिया है मोदी हैं तो मोदी की गारंटी है। देखिए ऐसा है मानी मोदी जी के बारे में मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि वो सोचते रहते हैं और सोचने के बाद उसे प्रचारित करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रचारित करने लगे हैं कि लोग समझ लेंगे कि आते प्रचार इतना नहीं होना चाहिए, ये आते प्रचार होते हैं, तो आते प्रचार भी अर्थ की वली रूप में आते हैं, वो है कहना ज़्यादा बोलो ज़्यादा करो काम करिए, मगर उसके पीछे बोलिए मतलब, और सबका साथ सबका विकास होता एक नारा है, सबका साथ सबका विकास हमने प्लानिंग कमीशन में थे तो आइडिया निकला था सबका साथ सबके विकास के साथ साथ सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उस पर हम जोर देते तो एक तरह से लोग नाराज होते हैं, डर ये लगता है कि मान प्रधानमंत्री जी कहीं हमारे ऊपर भी बुलडोजर उन्होंने चलवा दें, इसी तरह से हम आपको डिफ्रेंस है, हम जबकि कंस्ट्रक्शन बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन है, जबकि आप जब तक बंटवारा नहीं करेंगे धन का, शिक्षा का, हर चीज़ का, सारे असैट्स का बंटवारा नहीं करेंगे, देश एक आदर्श देश नहीं कर सकता।
और कुछ ही लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और बाकी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला और गरीब के गरीब रहेंगे। गरीब के बच्चों की शिक्षा देख लीजिए कहाँ से कहाँ है, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, डबल शिक्षा चली हुई है, सब पूरी तरह से प्राइवेट वाले लोग उसको फीस लगाते हैं, अच्छे नहीं बन सकते। हमने दो आने पैसा देना पड़ता था बस फीस का, आज की हालत है प्राइवेट स्कूल से पता ही नहीं चीज़ें। हम तो कहते हैं बंद अंधकार में, हमारा समाज तो अंधकार में डाल दिया है, क्योंकि गरीबों की बात करो, हर आदमी दलितों की बात तो करता है, हर आदमी आगे बढ़ाने की बात करता है, उनको बेवकूफ़ बनाता है, मगर ये नहीं है कि उसकी तनख्वाह बढ़ाए, उसके हाथ की दी हुई कमाई है उसका पैसा सही से मिले तो वो अपना आत्मनिर्भर हो सके। ठीक, आप कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, कोई भ्रष्टाचार हटाओ तभी तो हमने नारा दिया, भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि लगता था हर आदमी संविधान को विरोध में होने लगता है, संविधान तोड़े हैं, संविधान खत्म करेंगे, अजीब सा लगता है कि देश जो संविधान से चलता है, माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, मैं भी कहता हूँ संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, कई बार बात हुई तो हमने यही कहा कि संविधान जब आपका धर्म ग्रंथ है, संविधान की तोड़ने की बात, संविधान खत्म करने की बात कैसे चल रही है, और संविधान एक संस्था है जिसने की बहुत कमजोर कर दी है, तो सब करते हैं, प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया तो कोई कुछ आई नहीं देखते ही है, बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अकेले जयपुर तो उनकी तारीफ करिए, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं कि मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और उसी मंत्रमुग्ध के चक्कर में वोट जनता वोट दे दी। बहुत अच्छी कब से चल रही है, जब कब से चल रही है, इतना कोई मेहनत करता है क्या करने से कोई फर्क नहीं, रात दिन जो है काम में रात दिन 500 रुपया कोई आइडियाज आते हैं और फिर उन आइडिया को रेफर करने के लिए धरती बताने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार है, जो कर्मिलाइजेशन है अपराधीकरण है उसका कोई नियंत्रण नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई गरीबों के प्रति कोई फायदा नहीं, स्कूल से फीस इतनी ज़्यादा हो गई है, आईटीआई वगैरह में तो कोई अच्छे अच्छे घरों के लिए भी नहीं कर सकते। ठीक, हमारे सुपास के लिए तो बहुत ही दया में खराब है, बैकवर्ड में जो है उसको ऊपर हो गए तो वो जो अपने समझते हैं सबसे ज़्यादा छात्री बन गए। ठीक, मुझे तो चंद्रपाल जी ये का कहना है कि मोदी सरकार भले ही दावे कर रही हो कि मोदी जी की गारंटी है तो सब मुमकिन है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है, गलत लोगों को भाजपा टिकट दे रही है, आगरा की स्वच्छ सीट से एसपी सिंह बघेल पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो 3 बार अपनी जाति बदल चुके हैं, इसके बावजूद भी उनकी स्कूटनी में कोई गलती, कोई उनके कागज़ में कोई दस्तावेज में गलती नहीं पाई जाती, ये एक तरह की फर्जीवाड़ा भी दिखाई देता है। लेकिन अगर मान के चलिए चंद्रपाल जी जैसा व्यक्ति अगर सांसद बनता है तो आगरा की जनता के लिए ये एक सौभाग्यशाली बात होगी, क्योंकि इनका वादा है कि क्योंकि ये प्लानिंग सचिव रहे हैं, इन्होंने जब ये प्लानिंग सचिव रहे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए गरीब जनता के लिए, व्यापार के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, तो इतने इन्होंने काम किए, अगर इनका वो जो काम है सांसद बनने के बाद अगर जनता को मिलेगा तो जनता का विकास होगा, आगरा का विकास होगा, आगरा जो विकास से वंचित है वो समुचित विकास इनके द्वारा हो सकता है, इनका कहना है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो लोकसभा चुनाव 7 मई को मतदान होगा तो जनता चंद्रपाल जी को कितना लाइक करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।